मैं हूं राजेश मिश्रा और आपको सुना रहा हूं पल्लवी विनोद की एक कविता। मुझे कब चाहिए था ये आकाश, चाहिए तो मुझे बादल भी नहीं था। मुझे तो धरती का वो टुकड़ा चाहिए था जहां हम तुम आसमान की चादर ओढ़े लेटे रहते। ना होता नरम घास का बिछौना, फूलों के बागीचे का पड़ोस भी ना मिलता। बरगद की छांव थोड़ी दूर ही रहती, पर तुम होते, तमाम सिलवटों के बाद भी मुस्कुराते। धूल से भरी चप्पलों में हम धरती का हर कोना नापते, पेड़ों की उम्र जांचते, सीखते भाषा पक्षियों की, नदियों की कलकल बांटते। मुझे कब चाहिए था ये आकाश, तुम्हें बांसुरी की आवाज बहुत पसंद है ना। मेरे मन में एक धुन बजती है, अगर सुन सको तो समझना मुझे दुनियावी बातों से वितृष्णा हो गई है। जिस तरणी के भरोसे छोड़ तुम आगे बढ़ रहे हो उसमें एक छेद है, पानी भरता जा रहा है, नाव डूबने को है। धरती का वो टुकड़ा मेरी प्रतीक्षा में है, मैं भी तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं। अब भी आ जाओ हर सिंगार झरने से पहले, उसी धरती पर सुला दो मुझे। आकाश की किस्मत में हर सिंगार नहीं तारे हैं। मुझे कब चाहिए था ये आकाश, मुझे कब चाहिए था ये आकाश।